वो इंस्टाग्राम पे बेटे के मोबाइल पे धमकी आई है कि तेरे बाप को गोली मार देंगे और बचा सको तो बचा लो। तो बच्चे को 2-3 बार धमकी आ गई है, 24 तारीख में भी है, 23 में भी आई है। तो मेरा बेटे ने मुझे बताया तो मैंने फिर इसके जो है जाके चौकी में जाके जो है एप्लीकेशन दी है, तो वहाँ से जो आश्वासन मिला कि हम इसकी जान, तो अब तक उसकी जानकारी हमें मिली नहीं। और पहले भी जो है मुझे धमकी आ चुकी है और मुझे जो है सुरक्षा भी मिली थी, तो मुझे यही डर है कि मेरे परिवार के साथ मेरे साथ जो कोई ऐसी घटना न घटे। और मैं चाहता हूँ अधिकारियों से कि इस पर कार्रवाई हो और जिसने ये कराया उसकी जाँच करके उस पर जो कानून कार्रवाई करे। सबसे पहले जो धमकी दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, कितनी जानकारी है? पहले धमकी एक अजीत प्रधान थे, अनिल दुजाना के नाम से जो है धमकी देते थे मुझे, वो जेल भी गए थे। उसमें 2 आदमी पर मुकदमा लिखा गया था लेकिन उन आदमी का अब तक कुछ नहीं हुआ और वो भी गांव के ही लोग थे, अब भी यहीं घूम रहे हैं। और मैं पहले भी अधिकारियों से कह चुका हूँ कि मेरी जान को खतरा है, एप्लीकेशन दे चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ऐसा आश्वासन मुझे नहीं मिला अब तक। आपको पहले सिक्योरिटी भी मिली थी, वो सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्या है? हाँ, कोई 15-20 दिन के लिए सिक्योरिटी दी गई थी, तो उसमें जो जैसे अधिकारी चेंज हुए तो ऐसी सिक्योरिटी हटा ली गई। तो अब आप क्या मांग करना चाहेंगे? मैं मांग करना चाह रहा हूँ कि मैं तो लोग उसको जानता नहीं जिसने भी ये भेजा है, लेकिन इतना है कि उसके जानकारी करे पुलिस और उसके खिलाफ़ कार्रवाई हो। और जो है मुझे जो है भय बना हुआ है कि मेरे परिवार को बच्चे के साथ कोई घटना न घटे।